सो हेलो रन, कैसे हो? बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे मुझे कि भैया क्या हुआ, आपने एक वीडियो बनाई थी री नीट के ऊपर फॉर गंगानगर सेंटर एंड कुछ सेंटर जो एमपी में होशंगाबाद रोड पे है, कई सारे सेंटर पे है, गड़बड़ हुई है। देखो यार, नीट के बोले सब लोग हल्ला करते हैं, ठीक है। हर चैनल पे कुछ दिख रहा होगा, पोस्टपोन कराओ पोस्टपोन कराओ, सबको पता है उसमें फायदा था, ठीक है। सबको पता है ऐसे वीडियोज बनाएंगे तो अभी हमें व्यूअरशिप बढ़ेगी, ठीक है। अब जैसे ही एग्जाम खत्म हो गया है तो कोई नहीं चाहेगा कि उन 1% या 2% लोगों के लिए, आई नो 98-99% लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, सबके साथ बढ़िया हुआ, सबने पेपर बढ़िया दिया, ठीक है। मतलब एनटी की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं हुई, बट वो 1% बच्चा, अगर अब तुम 15 लाख का 1% लोगे तो भी 15,000 बनता है, ठीक है। बहुतों के साथ दिक्कत हुई है, बहुतों के साथ, ठीक है। मैंने सबसे पहले आवाज उठाई जैसे ही पेपर खत्म करके आए बच्चे, मैंने सोचा कि वीडियो बनाए कि नहीं बनाए, बनाते, ठीक है। जब पोस्टपोनमेंट के लिए साफ दिया था ना, ठीक है, तब भी इसी मोड से दिया था कि यार बच्चों को फायदा हो। और अभी यार, अभी बहुत सारे लोग आएंगे कोर्स, क्योंकि सबको यार अपना कोर्स करना है, दिस इज द अल्टीमेट फैक्ट ऑफ दिस एड टेक, ठीक है। ठीक है, अच्छी चीज है, ठीक है, बच्चों का फायदा हो रहा है, बट इसके पीछे देखना पड़ेगा कि यार किसी के साथ अन्याय तो नहीं हुआ पोस्ट एग्जाम, ठीक है। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे एनटीए के खिलाफ तो एनटीए हर साल गड़बड़ करेगा, ठीक है। मेरे साथ खुद गड़बड़ हुई है 2019 के अंदर, जब मैंने नीट का पेपर दिया था तो मुझे पेपर आधा घंटा लेट मिला था उस सेंटर पे, सेंटर का नाम था भारतीय विद्यापीठ, ठीक है, पुणे के अंदर। वहां पे पेपर 2019 में आधा घंटा लेट था, उस चक्कर में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे नंबर थे 476 और मैं फिजिक्स कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ठीक नहीं थी, मानता हूं मैं। बट एटलीस्ट अगर मुझे आधा घंटा वो एक्स्ट्रा मिल जाता और मैं स्ट्रेस कम में होता तो मैं 530-540 नंबर स्कोर कर जाता और मुझे सिलेक्शन हो जाता मेरा, उस चीज का अफसोस नहीं है, एम्स में बैठा हूं मैं आज। बट बहुत बच्चे ऐसे होंगे यार जिनका थर्ड अटेम्प्ट है, जिनको एक अटेम्प्ट और नहीं मिलने वालों के पेरेंट्स की तरफ से, जिनका फोर्थ अटेम्प्ट है उनको एक और अटेम्प्ट नहीं मिलने वालों के पेरेंट्स की तरफ से, उनका क्या, ठीक है। उनका फ्यूचर फ्यूचर तो गया, फ्यूचर तो छोड़ो है, करियर जो सोच के उन्होंने 3 साल मेहनत की थी, 4 साल मेहनत करी, वो तो गया, ठीक है। तो प्लीज एनटीआर प्लीज, ठीक है, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, ठीक है, बहुत छोटा हूँ यार, ठीक है, अपना चैनल छोटा सा है, इस पर गाइड बच्चों को गाइड करता हूँ, ठीक है, आवाज उठाता होगा कोई इंजस्टिस हो, इस टाइम पे कोई आवाज नहीं उठाएगा, ठीक है, मुझे पता है कुछ लोग उठाएंगे। अलग सर ने वीडियो बनाई है, अभी मैंने देखी, मैंने परसों वीडियो बनाई थी, आज फिर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। गंगानगर सेंटर में भी ये चीज हुई है, होशंगाबाद रोड, राजस्थान के कई सेंटर में, बिहार के कुछ सेंटर में हुआ है, महाराष्ट्र, हर स्टेट में कुछ सेंटर्स में गड़बड़ हुई है। पेपर को एक्सचेंज कर दिया गया था इंग्लिश हिंदी के, ठीक है, पेपर लेट दिया गया, लेट कलेक्ट किया गया, कई जगह पेपर 3 बजे दिया, 6 बजे कलेक्ट किया, क्या है ये, ठीक है। ये एक नेशनल लेवल की एग्जाम है जो लाखों बच्चे दे रहे हैं और उसमें से आप कुछ हजारों डॉक्टर चुनने वाले हो एमबीबीएस के लिए, ठीक है, और उस एमबीबीएस डॉक्टर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करोड़ रुपए खर्च करेगी। एक एवरेज एम्स के बच्चे पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च करती है, 1.5 से 1.2 करोड़ रुपीस, ठीक है, ऐसे दे दोगे वो, ठीक है। एटलीस्ट यार जो एग्जाम ले रहे हो, आई नो गलतियां होंगी, बड़ी एग्जाम है, बट आगे आके उस गलतियों को एक्सेप्ट तो करो, एक्नोलेज तो करो कि मेरे से ये गलती हुई थी सेंटर पे, तो बच्चों को हम लोग री एग्जाम इन बच्चों का ले रहे हैं, ठीक है, या ऐसे ऐसे हम लोग फेज टू में ले रहे हैं जो फ्लड में नहीं आ पाए, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यार प्लीज, ठीक है। जे एक साथ 2 अटेम्प्ट तो दे रहे हो, एटलीस्ट तुम 4 से 2 ले आए, हमको 1 से 2 तो दो एटलीस्ट, ठीक है। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ये कहना था यार कुछ लोगों को बात चुभेगी जिनके नंबर आए, बहुत लोगों के मैसेज आए जिनके नंबर अच्छे हैं, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट अपने भी थे 660, 650, 650, 686, 681, 680, 690 ऐसे स्कोर आए बच्चों के, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका सेशन हो चुका है। बट यार जिनके साथ प्रॉब्लम हुई है उनको हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।